बेहतरीन हेल्थ और वेलनेस वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया हेल्थ के चैनल पर फिर एक बेहतरीन हेल्थ और वेलनेस वीडियो के साथ। कमजोर दिल को बिना दवाओं के इन 11 नुस्खों से बनाएं मजबूत, हृदय की निर्बलता को कहें गुड बाय। आज के भागदौड़ भरे जीवन में हम कई बार शरीर की अनदेखी करते हैं। कई बार शरीर के विभिन्न अंग उनकी अनदेखी हो रही है इस बात का संकेत भी हमें देते हैं, लेकिन काम की व्यस्तता प्रतिस्पर्धा के युग में हम स्वस्थ शरीर को प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं। कई बार अधिक श्रम किया जाता है लेकिन पौष्टिक भोजन की कमी के कारण हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है। शरीर में रक्त की कमी भी हृदय को कमजोर बना देती है। हृदय की दुर्बलता के चलते शारीरिक और मानसिक श्रम करने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रोगी के श्वास में तकलीफ होने के साथ कई अन्य प्रकार की बीमारियां घर करने लगती है। ऐसे में जरूरी है कि दिल को दुर्बल ना होने दिया जाए और हर वक्त उसको मजबूत रखा जाए। आयुर्वेद के कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जो बिना दवाओं के आपके दिल को मजबूत बनाने में काफी मददगार हो सकते हैं। सबसे पहला, सेब। सेब का मुरब्बा प्रतिदिन सेवन करना शुरू करें। यह दिल को तो मजबूत बनाता ही है। 15 से 20 दिन तक लगातार सेवन से ही हृदय की निर्बलता दूर होने लगती है। दूसरा है अमरूद। अमरूद भी दिल को मजबूत करने में काफी कारगर है। करीब 100 ग्राम अमरूद में 300 से 400 मिलीग्राम तक विटामिन सी होता है, जो दिल को स्फूर्ति और शक्ति देने के साथ ही प्यास मिटाता है और मस्तिष्क को भी शक्ति देता है। तीसरा है हींग। हींग का सेवन रक्त को जमने से रोकता है। हींग के सेवन से रक्त संचार सरलता पूर्वक होता है। कमजोर दिल वालों के लिए हींग बेहद फलदायक मानी गई है। चौथा है शहद। कम से कम 1 चम्मच शहद प्रतिदिन सेवन करना भी काफी अच्छा होता है। इसमें 100 कैलोरी की शक्ति होती है जो दिल को शक्ति प्रदान करती है। इसके अलावा हृदय के पट्टों की सूजन को भी कम करने में मददगार होती है। हार्ट फेल के वक्त जब रक्त में ग्लाइकोजन के अभाव में रोगी जब बेहोश होने लगता है तो शहद खिलाकर उसे बेहोशी से बचाया जा सकता है। पांचवा है मजबूत पाचन क्रिया। दिल की निर्बलता नष्ट करने के लिए न केवल पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाना चाहिए, बल्कि इसको पचाने के लिए नियमित व्यायाम भी किया जाए। प्रतिदिन खाने में गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी, चुकंदर, प्याज के सलाद बनाकर खाने से पाचन क्रिया मजबूत की जा सकती है। इससे शरीर में रक्त का निर्माण भी बढ़ जाता है और दिल की मजबूती में भी ये मददगार है। छठा है शुद्ध वायु। सुबह की स्वच्छ और शीतल वायु दिल के रोगियों के लिए फलदायक है। शुद्ध वायु शरीर में पहुंचकर रक्त को शुद्ध करती है। जो शुद्ध वायु शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचकर दिल के संचालन में शक्ति प्रदान करती है। ऐसे में नियमित व्यायाम और सुबह की वायु को दिनचर्या में शामिल जरूर करें। सातवां है नींबू। नींबू में दिल की कमजोरी को दूर करने के विशेष घटक हैं। इसके निरंतर प्रयोग से रक्त वाहिनियों में लचक और कोमलता आती है, कठोरता दूर होती है। इसके नियमित सीमित मात्रा में सेवन से लंबी उम्र तक आपका दिल स्वस्थ रहता है। यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार है, जो सीधे सीधे दिल को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। आठवां है सौंठ। सौंठ का गर्म काढ़ा नमक में मिलाकर प्रतिदिन एक प्याला सेवन करें, दिल के तेजी से धड़कने, दिल के बैठने, घबराहट जैसे कष्टों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। हालांकि सौंठ काफी गर्म होती है, ऐसे में इसका सीमित मात्रा में सेवन ही जरूरी होता है। नवा है तुलसी। सर्दी के मौसम में तुलसी के 7 पत्ते, 4 नग काली मिर्च और 4 नग बादाम लेकर सभी को ठंडाई की भांति पीसकर आधा कप जल में घोलकर नित्य पीने से दिल के रोग ठीक होने लगते हैं और इससे मजबूती भी मिलती है। दसवां है लीची। लीची एक ऐसा फल है जो आपके दिल को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करती है। यदि इसका नियमित सेवन किया जाए तो यह पानी की कमी को दूर करती है। इससे प्यास कम लगती है। यह दिल के साथ आपके मस्तिष्क और यकृत को भी मजबूती देती है। ग्यारहवां है हल्दी। नियमित 500 मिलीग्राम हल्दी का उपयोग जरूर करें। यह खून का थक्का नहीं जमने देती है। खून का फ्लो बनाए रखने में यह मददगार है। हल्दी खून को पतला भी करती है। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करने के बाद अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर हम ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पर लाएं, तो उस विषय के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्वास्थ्य जागरूकता के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उम्मीद है कि आपको इंडिया हेल्थ के हेल्थ और वेलनेस वीडियो जरूर पसंद आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।